एक ऐसा तालाब जहां नहाने से दूर होता है कुष्ठ रोग, एक ऐसी जगह जहां छठ महापर्व पर लगता है विशेष मेला, एक ऐसी जगह जिसे लेकर लोगों के मन में है विशेष आस्था, जहां दूर दराज से पहुंचते हैं श्रद्धालु। दरअसल हम बात कर रहे हैं पटना के दुल्हिन बाजार स्थित उलाव सूर्य मंदिर की, जहां मंदिर के आगे बने तालाब की कहानी द्वापर काल से जुड़ी है। तब से आज तक कुष्ठ रोगी उस तालाब में प्रत्येक रविवार को स्नान करके इस रोग से मुक्त होने की कामना करते हैं। छठ पूजा के अवसर पर इस तालाब में छठ व्रतियों की काफ़ी भीड़ लगती है। मान्यता है कि द्वापर काल में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र राजा सांब को अपनी खूबसूरती पर काफ़ी गुमान था। एक बार राजा सांब एक सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे, उसी वक्त महर्षि गर्ग उस मार्ग से गुजर रहे थे। कहा जाता है कि महर्षि गर्ग को देखकर भी राजा सांब ने उनका सम्मान नहीं किया। इससे महर्षि गर्ग काफ़ी क्रोधित हुए और उन्होंने राजा सांब को श्राप दिया। महर्षि गर्ग के श्राप से राजा सांब को कुष्ठ रोग हो गया। इस रोग से मुक्ति के लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। बताया जाता है कि नारद मुनि ने उन्हें इस रोग से मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण से आग्रह करने को कहा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए सार्क द्वीप से वैद्य और सूर्य उपासक ब्राह्मणों को बुलाकर उनके उपचार के लिए भगवान सूर्य की आराधना कराई। उस समय सरोवर के किनारे जहां की मिट्टी और जल में गंधक की मात्रा थी, वहां पर अनुष्ठान कराया। बताया जाता है कि 12 जगहों पर अर्क स्नान करने के बाद उन्हें रोग से मुक्ति मिली। पटना के दुल्हिन बाजार स्थित उलाव सूर्य मंदिर तीसरी किरण के रूप में आज भी अवस्थित है। वहां के तालाब में गंधक की मात्रा रहने के कारण वहां प्रत्येक रविवार को कुष्ठ रोगी इस तालाब में स्नान ध्यान करने के बाद रोग मुक्त होते हैं। प्रत्येक वर्ष छठ पूजा के अवसर पर इस तालाब में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है और तब छठ व्रत करने वाली महिलाएं इस तालाब में स्नान ध्यान कर सूर्य की उपासना का महापर्व छठ पर्व को हर्षोल्लास पूर्वक मनाते आ रही हैं, जिसके बाद से ही लोगों में इस तालाब को लेकर काफ़ी आस्था है, जिसको लेकर यहाँ दूर दराज से श्रद्धालु पहुँचते हैं और इसमें आस्था की डुबकी लगाते हैं।